तो आज हम बात करने वाले हैं Realme 5 Pro के बारे में। तो Realme 5 Pro के मैं आपको स्पेसिफिकेशंस बताऊंगा, कुछ लीक्स बताऊंगा जो अभी तक लीक हुए, क्या प्राइसिंग और इसके लॉन्च डेट वगैरह, इस तरह की चीज़ें बताने वाला हूँ। ऐसे हवा में बात नहीं करने वाला हूँ, बहुत ही ट्रस्टेड सोर्सेज से डिटेल्स मिली है और भी बहुत सारे लीक्स हमें मिले हैं और काफ़ी चीज़ें जो है वो कन्फर्म्ड है। तो सारी डिटेल्स मिल जाएगी Realme 5 Pro से रिलेटेड, तो इस वीडियो के एंड तक देखते रहिए। तो मेरा नाम है कुलभूषण और आप देख रहे हैं कीवर्ड। तो जैसे भाई लोग फेक वीडियो बनाते हैं वो इस तरह की नहीं है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले बता दूँ, यहाँ पर मैं जो भी डिटेल्स बताने वाला हूँ वो सभी मैं अपनी वेबसाइट पर पहले बता चुका हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आपको वहाँ पर और ज़्यादा डिटेल्स मिल जाएगी। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं आखिरकार Realme 5 Pro ही क्यों, 4 Pro कहाँ चला गया। तो 4 जो है वो फोन नंबर जो वो चाइनीज ब्रांड के लिए अनलकी होता है और जिसकी वजह से Realme भी इस चीज़ को मानती है, कुछ कंपनीज नहीं मानती चाइनीज, जैसे Xiaomi हुआ वो 4 सीरीज़ को अनलकी नहीं मानती, उसने 4 सीरीज़ में फ़ोन लॉन्च करे, लेकिन Realme जो है वो उसको अनलकी मानती है। उसने कंफर्म्ड करा था रियलमी एक्स के लॉन्च इवेंट में, उसके बाद में उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उनके साथ, तो मीडिया के साथ, तो उन्होंने ये बताया था कि हम 4 को स्किप करके डायरेक्टली 5 लॉन्च करेंगे, मतलब Realme 5 और Realme 5 Pro। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं Realme 5 Pro के बारे में। तो यहाँ पर जो इससे पहले बहुत सारे आपको फोटोज़ वगैरह जो है वो लीक हुए दिखेंगे, मतलब फोटोज़ वो लीक नहीं थे, वो ऑफिशियली टीज करा गया था Realme की तरफ से, जो कि आपका 64 मेगापिक्सल वाला कैमरा वाला डिटेल्स थी। तो अभी जो हमारे CEO है हमारे Realme इंडिया के, तो उन्होंने भी टीज करा था ट्विटर पे कि हम बहुत जल्द 64 मेगापिक्सल वाला एक कैमरा वाला स्मार्टफोन लेके आने वाले हैं, जिसमें आपको बहुत बढ़िया क्वालिटी मिलेगी, उसमें आपको बैक में 4 कैमरे मिलेंगे, मतलब क्वाड कैमरा होगा, और उसमें आपको एक जो है वाइड एंगल मिलेगा, एक टेलीस्कोपिक मिलेगा, और एक आपको प्राइमरी सेंसर होगा जो कि आपका 64 मेगापिक्सल का होगा, जो कि आपका सैमसंग का होगा GW1 यही है, और उसका जो 4th सेंसर होगा वो या तो डेप्थ सेंसर होगा या फिर वो कोई और सा सेंसर हो सकता है, उसका अभी तक कंफर्म्ड नहीं है। तो ये चीज़ें जो थी वो हमें ऑफिशियली टीज़र आपका मिला था Xiaomi Realme की तरफ से, Xiaomi बोलता रहता हूँ, तो माधव सेठ जी ने हमें ये इन्फॉर्मेशन दी थी जो कि ऑफिशियल है। और उसके बाद वीवो पे भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिली थी जो कि चाइनीज़ में लिखी हुई थी, जिसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई थी, उसमें कुछ जो समझ में आई थी वो मैं आपको बता देता हूँ कि आप इसमें 64 मेगापिक्सल में फोटोज़ कैप्चर कर पाएंगे हाई रिजोल्यूशन में, और इसमें आप पिक्सल बिनिंग के थ्रू 16 मेगापिक्सल में फोटोज कैप्चर कर पाएंगे, और पिक्सल बिनिंग के थ्रू इसमें आपको 1.4 माइक्रोमीटर का आपको इसमें पिक्सल साइज मिलेगा, और इसमें जो सेंसर यूज करा जा रहा है वो सैमसंग का GW1 जो है उसका जो सेंसर साइज है उसका सेंसर साइज 1/1.72 इंचेस है, जो कि जिसकी वजह से सेंसर का जो साइज है वो काफी बड़ा बन जाता है, और पिक्सल बिनिंग के थ्रू इसका पिक्सल का साइज भी बड़ा हो जाएगा, जिसकी वजह से आप नाइट में काफी अच्छी फोटोग्राफी कर पाएंगे, आपको नाइट में काफी अच्छी शार्पनेस मिलेगी, काफी अच्छी डिटेलिंग मिलेगी, और भी आपको बहुत सारे बेनिफिट्स होने वाले सेंसर के थ्रू। अभी सोनी ने कोई सेंसर अभी लॉन्च नहीं कराया, और जब सोनी लॉन्च करेगा 64 मेगापिक्सल का, तो शायद उसमें आपको Redmi Note 8 Pro में वो सेंसर मिल जाए, उसकी वीडियो आपको मिल जाएगी कल, आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में नहीं वीडियो के एंड स्क्रीन में वो वीडियो मिल जाएगी Redmi Note 8 Pro से रिलेटेड, आप वो जाकर देख लेना, उसमें भी आपको 64 मेगापिक्सल का कैमरा मिल सकता है। तो यहाँ पर Realme के पास आते हैं वापस, तो इतनी चीज़ें तो कन्फर्म्ड है कि इसमें आपको बैक में जो है वो 4 कैमरे मिलेंगे, जिसमें आपको प्राइमरी सेंसर जो होगा वो 64 मेगापिक्सल का होगा, जिसमें आपका सैमसंग GW1 सेंसर यूज़ करा जाएगा, तो ये चीज़ें कन्फर्म्ड है। और भी बहुत सारी वीवो पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी थी, मतलब वो ज़्यादा डिटेल इतनी नहीं थी, जो काम की थी वो मैंने आपको बता दी है। और अभी लास्ट टेक न्यूज़ जो थी रुहेश भाई की, तो उन्होंने भी ये कन्फर्म करा था, अपनी तरफ से इंटरनल लीक्स दिए थे कि अगस्त में आपको Realme 5 मिलने वाला है, और उसके साथ Realme 5 Pro भी मिलने वाला है, जिसमें आपको 64 मेगापिक्सल का कैमरा मिलेगा। स्क्रीन जला लेता हूं। तो ये उन्होंने कंफर्म करा था, मतलब आपको अगस्त में Realme 5 और Realme 5 Pro जो है वो मिलने वाला है, क्योंकि भाई काफी ट्रस्टेड वो इंफॉर्मेशन देते हैं अपनी तरफ से, इंटरनल लीक्स वो तभी बताते हैं जब खुद कंफर्म्ड होते हैं। तो ये जो है वो कंफर्म्ड है कि ये फोन जो है वो अगस्त में लॉन्च हो जाएगा। Realme 5 तो 100% आपको अगस्त में लॉन्च हो सकते हैं, और यहाँ पर Realme 5 Pro जो है वो शायद अगस्त में लॉन्च हो जाए या फिर अप्रैल में लॉन्च हो जाए। तो Realme 5 Pro जो है वो अगस्त में लॉन्च हो जाए या फिर सेप्टेम्बर में लॉन्च हो जाए, तो इन दोनों मंथ में ये लॉन्च हो सकता है। और इतनी जल्दी आप सोचे होंगे इतनी जल्दी कैसे आ सकता है, तो भाई इतनी जल्दी आ सकता है क्योंकि ये Realme है। तो Realme 2 Pro के बाद Realme 3 Pro जो था वो लगभग 5 या फिर 6 महीने के अंदर अंदर ही लॉन्च हो गया था, मतलब 6 महीने भी कंप्लीट नहीं हुए थे और उसका सक्सेसर आ चुका था, Realme 2 Pro का सक्सेसर Realme 3 Pro आ चुका था। इसी तरह Realme 2 का सक्सेसर Realme 3 भी काफ़ी जल्दी आ गया था, लगभग 5-6 महीने में ही आ गया था, बल्कि और ही कम टाइम में आ गया था। तो इस तरह से Realme की स्ट्रेटेजी यही
होती है कि वो 4 से 5 महीने के बाद ही उसका सक्सेसर ला देती है। तो ये अच्छी बात भी हो सकती है, बुरी बात भी हो सकती है। तो इतना कन्फर्म्ड है कि आपको बहुत जल्द Realme 5 Pro मिलने वाला है, जिसमें आपको 64 मेगापिक्सल का कैमरा मिलना है बैक में, और इसकी प्राइसिंग जो होने वाली वो वही 14,000 या फिर 15,000 इसका बेस वेरियंट का प्राइस हो सकता है। और इसके अलावा जो भी डिटेल्स है वो अगर आपको कहीं से मिल रही है वो सब फेक है, सिर्फ इतना ही कन्फर्म्ड है जो मैंने आपको बताया। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट पर चेक कर लेना, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और Realme 8 Pro के बारे में मैंने इन्फॉर्मेशन डाली है, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और वीडियो आपको एंड स्क्रीन में मिल जाएगी, क्योंकि वो भी 64 मेगापिक्सल कैमरे के साथ आने वाला है। तो इसी बात पर लाइक कर दो, क्योंकि इतनी तगड़े तगड़े फ़ोन आने वाले हैं। तो अब देखते हैं Xiaomi क्या करता है Redmi 8 Pro के साथ, क्योंकि Redmi 8 Pro भी बहुत जल्द आने वाला है इसको टक्कर देने के लिए 64 मेगापिक्सल कैमरे के साथ। तो बस फिलहाल इस वीडियो में यही था, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आपको इस तरह की और वीडियो चाहिए।